आपको पता है एक हाथी अपने सूंड में 10 लीटर पानी भर सकता है और 3.5 क्विंटल तक वजन अपने सूंड से उठा सकता है। यह है गजराज। हाथी का नाम गजराज भी है। इनका नाम लक्ष्मी। अच्छा, इनका नाम लक्ष्मी रखा गया है। यह दोनों के बीच का है क्या? नर मादा के बीच का है। अच्छा, चलिए हम इन्हें गन्ना खिला रहे हैं और इनसे दोस्ती कर रहे हैं। डर भी है और इनकी आँखें बहुत छोटी होती हैं। एक हाथी लगभग 13 साल में जवान हो जाता है और उसकी यौन इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। मादा हाथी जो बच्चा पैदा करता है उसका वजन 110 किलो के लगभग होता है। मतलब 1 क्विंटल 10 किलो 12 किलो होता है ऐसे। जल्दी जल्दी खाइए। हाँ, तो यह है हाथी। हाथी राजा महाराजा लोग रखते थे और जिन्होंने रखा है आप देख रहे हैं हाथी साला। मतलब जी 4-5 लाख रुपये लगाए। अच्छा, 4-5 लाख रुपये। आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा हमारे तरफ आइए। शुभ नाम आपका? श्री अर्जुन गिरी। अर्जुन गिरी साहब के साथ हम हैं और इनका हाथी पोस्ट माधोपुर, ग्राम पोस्ट माधोपुर, थाना बरौली जिला गोपालगंज। हम गोपालगंज में इस समय हैं, बगल में सिवान है। और यह गिरी जी की हाथी है। हाथी लोग बहुधा कहते हैं कि हाथी स्त्रीलिंग नहीं है, हाथी जा रहा है और जो मादा है उसके लिए हथनी का प्रयोग करेंगे, लेकिन बहुधा लोग ऐसे कर देते हैं। तो इसका बच्चा 110 किलो से अधिक का होता है, 110 किलो के लगभग होता है। साढ़े 3 क्विंटल तक ये अपने सूंड से उठा लेते हैं। बड़े शांतिप्रिय जानवर हैं, लेकिन इन्हें शोरगुल और यह सब पसंद नहीं है। गिरी जी, आपका महावत, जो हाथी के हथियार होते हैं उन्हें महावत कहा जाता है, तो एक बार बताते हैं कि आपका हाथी, उसे करंट लग गया महावत को? जी, और हाथी अकेले चला आया? अकेला घर पर चला, अकेले ही हाथी है। अच्छा, अकेले चला? हाँ, अकेले चला है। किसी को कुछ बोला नहीं? ना, कुछ नहीं बोला। तो बड़ा सीधा साधा है क्या? सीधा। गुस्सा कब आता है इसको? इसको गुस्सा बहुत कम आता है। नहीं खाएगा तो गुस्सा आएगा। अच्छा, नहीं खाएगा तो गुस्सा? भूख लगेगा तो गुस्सा आएगा। अच्छा, इस समय भूख लगा? नहीं, भूख नहीं लगा, खूब खाया है, गए हैं लाने के लिए। अरे 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 अरे, चलिए लीजिए भाई। इतना नज़दीक से पहली बार मैं हाथी का वीडियो बना रहा हूँ। कई बार बताएं आपको फ़ोटो खींचते हुए कैमरे से, बड़ी चीड़ है इनको। चलिए अब हम गन्ने के बाद इन्हें जलेबी भी खिलाते हैं। आइए भाई। और बताते हैं खूबी, हाथी सिक्का भी उठा सकता है। एक सिक्का भी सूंड कुछ भी उठा लीजिए। अच्छा, कुछ भी उठा लेगा। अच्छा, उठा लेगा, बहुत इशारा करेगा तो उठा लेगा। और इनकी चमड़ी 1 इंच मोटी होती है, लेकिन बड़ी संवेदनशील होती है और इसमें कुछ चुभ जाता है। एक कहावत है कि चींटी अगर काट लेगी तो हाथी मर सकता है, परेशान हो सकता है। मरेगा तो नहीं, परेशान हो सकता है, लेकिन चींटी फटकने नहीं पाएगी। इनकी चमड़ी बड़ी संवेदनशील होती है, इसलिए इन्हें चोट भी लगती है। अकेला शेर, दो शेर, एक शेर इनका कुछ नहीं करेंगे। भले ही जंगल का राजा शेर को कहा जाता है, लेकिन हाथी, और 22 महीने पर हाथी बच्चा देता है, देती है हथनी, बच्चा देती है ऐसे। तो देखिए इनका सूंड ऐसे देखिए। और अब इनसे दोस्ती हो गई भैया, अब खत्म हो गया क्या सब? कुछ और ले आओ, जाओ 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 बाबू, कुछ और ले आओ। देखिए बड़ा रोमांचकारी है, बता रहा हूँ। बकरी 6 महीने पर बच्चा देती है। कुतिया का मैं नहीं जानता कितने दिन में, उसका भी कुछ ऐसे ही होगा, कम दिन में ही देती है। और 9 महीने पर संतानोत्पत्ति होती है, महिलाएं करती हैं। 10 महीने पर गाय है। चूँकि गोपालक हूँ इसलिए मुझे पता है, हम लोग महीना गिनते हैं कि अब 10वां महीना।
दस महीने पर क्यों गिरी जी गाय? और ग्यारहवें महीने में भैंस बच्चा देती है, बारहवें महीने में घोड़ी देती है और 22 महीने में हाथी बच्चा देता है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकते हैं। चलिए एक सवाल पर हम चर्चा करते हैं। कभी कभी सपने में भी हाथी आ जाते हैं। लीजिए भाई आइए आइए। ज़्यादा हो गया क्या? तो अगर हाथी आपको खदेड़े तो आप करेंगे क्या? कभी कभी आपको बताएं स्वप्न में भी मृत्यु हो सकती है। जैसे स्वप्न में आप एहसास करिए कि हमें हाथी दौड़ा रहा है, आप भाग रहे हैं, भागते भागते अगर आप बच गए हाथी से तब तो ठीक है। यदि स्वप्न में ही आपने देखा कि हाथी हमें सूंड में लपेट लिया तो आपकी हृदय गति रुक जाएगी, आप मर जाएंगे। और लोग कहेंगे भैया सोते सोते मर गए। ऐसे ही शेर बाघ से अगर सामना हुआ, कोई गोली मार रहा है आपको, अगर गोली मार दिया तो आप बिना गोली लगे ही मर जाएंगे। इस तरह से हार्ट अटैक हो जाएगा। लोग कहते हैं भैया कोई रोग व्याध नहीं था लेकिन रात को ही दिवंगत हो गए। कुछ थोड़ा सा और ले आओ जा। तो हाँ बताइए सर। खोल ला किनारे बाबू। अच्छा इन्हें क्या देते हैं खाने के लिए? खाने के लिए धान गेहूँ उबाल कर खिलाया जाता है। अच्छा गेहूँ उबाल धान खिलाया जाता है, ऊँ खिलाया जाता है। अच्छा दाढ़ी उड़ी काट कर लाया। इसे कितने में खरीदे थे? ये तो हम तो बताने वाला चीज़ नहीं है। अच्छा, बताने वाली चीज़ नहीं है। दान में लिए हैं। अच्छा अच्छा दान में लिए हैं। दान में। अच्छा दान में लोग दान दिए हैं। वाह लेकिन हाथी रखना सामान्य बात नहीं है। तो अच्छा बिकेगा कितने में इसको बता दीजिए? बहुत दाम का है, 45 लाख का पड़ेगा। 45 लाख का हाथी है भैया, सामान्य व्यक्ति इसे नहीं रख सकता। और लाखों रुपए का यह इसके लिए हाथी खाना बनवाया गया है। जब घर का निर्माण होता है के लिए पानी का मुसेसी लगवाए हैं। अच्छा हाँ चला किन लेना अगर सब टिकट विकट बेचत हुई मोटरसाइकिल ले जाए तो ये है साहब। गिरी जी हाँ हाँ 5 साल से रखे हैं। 5 साल से है यात्री का आजमगढ़ से आया। अच्छा हमारे यहाँ 1.5 हाथ बढ़ गया है। अच्छा इसकी लंबाई भी 10 फीट से अधिक लंबाई इसकी हो जाती है कभी कभी 10 फीट तक हमारे देश में जो अभी नया है ना। तुम्हारी आँखें कितनी छोटी छोटी हैं जी और देखने में इतने विशाल काय हो। चलिए कानों के बारे में भी बता देते हैं। कान इसलिए हमेशा हाथी का चलता रहता है कि भीतर की गर्मी निकालता है कुछ इसकी जो नसें हैं उसके माध्यम से हमेशा गर्मी बाहर करता रहता है, इसलिए हमेशा इसके कान चलते रहते हैं। अन्य देशों में और भी जहां गर्मी वाले देश हैं वहां और भी इनके बड़े बड़े कान होते हैं और हमेशा चलते रहते हैं। हम लोग खतरे से बाहर हैं, जोन में बाहर, खतरे के जोन से बाहर हैं ना कि अगर गुस्साएगा तो अभी भी खींच सकता है। आवत था खाली खाही के फिर अरे हाँ ज़्यादा प्यार बांटने में डर भी लग रहा है। तो गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान यह सब बड़ा धन जो उच्चतम धन के मानक हैं उसमें है। गोधन मतलब गाय का धन, गजधन हाथी का धन, बाज धन बाज माने घोड़ा का धन और रतन धन खान सारे रत्नों की खान हो। और जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान, सारा धन धूल के समान है ऐसा कहा गया है। और आज ये फूंक क्यों रहे हैं? भूख लगी है क्या इनको? अच्छा हमेशा फूकेंगे। और गुस्सा में क्या बोलते हैं, गुस्सा में क्या करते हैं? गुस्सा में कुछ नहीं है, गुस्साला नहीं है। अच्छा गुस्सेल नहीं है। हाँ नहीं ना आ आ आ आ आ आ आ आ। अच्छा देखिए अब दिखा रहा हूँ इसका हाथी का चारा आ रहा है। गिरी जी ने ट्रैक्टर रखा है और ट्रैक्टर से देखिए चारा आ रहा है। यह है पीपल की पत्ती और कुछ है जो लोग हाथी रखते हैं और पीपल भी लगाते हैं। देखिए इन्होंने एक पिकअप रखा है और एक ट्रैक्टर, दोनों से चारा आता है। जहाँ ट्रैक्टर जाने लायक है वहाँ ट्रैक्टर जाएगा और जहाँ पिकअप जाने लायक है वहाँ तक पिकअप जाएगा। अब हाथी ने भी जान लिया है कि हमारा चारा आ गया है। कुछ ले आओ बाबू उसमें से।
या पीपल है, पीपल में बड़ा पोषण है, बहुत तत्व हैं पीपल में। ये देखिए कुल्हाड़ी से काटे होंगे और काट करके ले आए हैं, पीपल की पत्तियों में, पीपल की छाल में, पीपल के तने में, और पीपल ऑक्सीजन प्रदाता है। तो देखिए आ गया है चारा, और देखता हूँ इसको कैसे खाते हैं, इतना वजनी है। लीजिए भाई, वाह क्या बात है। अरे ध्यान से देखिए एक बार, यहाँ आकर के मैं चाहूँगा इनके मुंह को दिखा दीजिए, कितना भैया गुस्साइएगा मत। यह टहनियों को भी तोड़ करके, वाह छिलका निकाल रहे हैं, देखिए छिलका निकाल रहे हैं। ठीक है क्यों भैया आपको जलेबी अच्छा लगेगा कि? ओ आइए आइए आइए, हाँ दीजिए दीजिए बाबू। आप जलेबी भी बड़े चाव से खाते हैं, लीजिए। हाँ, बारी बारी खिलाएंगे। आइए और एक बार आ जाइए, हम सलाह दें सलाह दें। बस नमस्ते बाय। चलिए दोस्तों आज का दिन इतना ही, यह मेरा पहला वीडियो हाथी के साथ है, हमने दिखाया और यह चारा आ गया, और गिरी जी को भी हमारे तरफ से नमस्कार। और आप हाथी रख रहे हैं, यह हाथी रखना छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। अभी यह कितने साल के हो गए? 20 साल, लगभग 20 साल, 70 साल उम्र होती है, जितना मनुष्य की औसत उम्र है उतना ही हाथी का भी है। धन्यवाद, सभी को नमस्कार। चल पकड़ना पकड़ पकड़।